हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे ECR की तरफ से एक नया मेरिट लिस्ट पब्लिक किया गया है। हालांकि इसका पहले भी मेरिट लिस्ट निकाला गया था। ये मेरिट लिस्ट उन लोगों के लिए है जो प्रथम पहला DB में नहीं जा सके और ECR की तरफ से उनको दूसरा मौका दिया जा रहा है। तो कितने लोगों का सिलेक्शन किया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कब और कहाँ जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, बात करेंगे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लेकर जाना है, सारा कुछ देखेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो के शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी छोटे मोटे अपडेट होंगे उसका नोटिफिकेशन से पहले आप तक पहुंच जाता है। डिस्क्रिप्शन में हमारा सपोर्ट नंबर के साथ साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म नहीं हो सकता है वो आपको वहां पे उसका नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे मिल जाता है। तो सीधे चलते हैं इसके मेरिट लिस्ट पे और आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी हम इसके ऑफिशियल साइट पे जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड किया जा चुका है। आप जैसे ही ज्वाइन होकर मैसेज करिएगा आपको यहाँ पर वो मिल जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे ईस्ट सेंट्रल रेलवे आपको देखिए प्लांट डिपो या आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल वहाँ पर रखा गया है। यह आपका 6 तारीख को ही मैंशन पब्लिक कर दिया था, 6 जुलाई को। नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हैं ऑल कॉन्सर्न, जिसको आप लोग को अच्छे से रीड करना है। विषय में आपको देख लीजिए कि एंगेजमेंट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर वेरियस स्टेट ऑफ नोटिफिकेशन। अब उसके बाद देखिए कि चेयरमैन ऑफ RRC नोटिफिकेशन नंबर आपको मेंशन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो ये जो नोटिफिकेशन है आपको देखिए अप्रैल मंथ की में ही पब्लिक कर दिया जाएगा। फिर इसी नोटिफिकेशन को एडिट करके रेलवे के द्वारा सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है वो अलग से मेंशन किया गया है। कौन कौन से ट्रेड वाले जा सकते हैं, तो देखिए जो जो अप्लाई किए थे, फीटर से, मैकेनिक से, वेल्डर से, इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद आपका मैकेनिस्ट ग्राइंडर, उसके बाद आपका टर्नर है, मैकेनिक व्हीकल मोटर है, और लास्ट में आपका मैकेनिक डीजल से देखने को मिल रहा है। 10 बजे से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एड्रेस आप लोग देख लीजिए, प्लांट डिपो इंस्टीट्यूट अपोजिट CWM ऑफिस पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये लोकेशन पे आपको चले जाना है। कब जाना है तो वो देख लीजिए। इन रेफरेंस टू अबव ओनली 65 कैंडिडेट फॉर वेरियस स्टेट हैव टू एट रिपोर्टेड अपेयर इन द सब्जेक्ट वेरिफिकेशन। 65 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है दोबारा, जिसमें मेरिट लिस्ट निकाला गया है। हालांकि पहले भी मेरिट लिस्ट निकाला गया था जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ उनका ज्वाइनिंग भी हो गया है और अभी वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, पर सीट को फुलफिल करने के लिए 65 कैंडिडेट को फिर से बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। Could not reported appear in the subject verification are requested to report appear as per the detail given below। जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जा सकते हैं उनको फिर से बुलाया गया है। तो आपको जाना है 19 और 20 तारीख के डेट में, ठीक है, 19 और 20 तारीख के डेट में आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग करना है, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है वो भी बात करेंगे थोड़ी देर में। तो आपको देख लीजिए 19/7/2020 और 20/7/2020 को आपको 2 दिन रखा गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कैंडिडेट का बात करेंगे तो 65 कैंडिडेट को बुलाया गया है। टाइम 10 बजे आपका, और आपका एड्रेस वही है सेम, CWM ऑफिस प्लांट डिपो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। आपको इसके रिगार्डिंग मेल भी आपको आ जाएगा कि आपको 19 तारीख को जाना है या फिर 20 तारीख को जाना है। इसके रिगार्डिंग आप जो भी ईमेल आईडी दिए होंगे फॉर्म फिलअप के टाइम, वो ईमेल आईडी पे आपको मेल भी आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए मेरिट लिस्ट आपका शुरू हो जा रहा है, जो जिसमें 65 स्टूडेंट का नाम है। सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद आपको कैंडिडेट नेम, फिर फादर नेम, ईमेल आईडी, आपको यहाँ पर सारे का मेंशन मिलेगा। इसी ईमेल आईडी पर आपका कॉल लेटर बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आपको मेल कर दिया जाएगा, 19 को जाना है या फिर 20 को जाना है। मोबाइल नंबर आपका DOB देखने को मिलेगा, डिवीज़न देखने को मिलेगा, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय करके दिया गया है। ट्रेड आप जिस भी ट्रेड से होंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका, और आपका कैटेगरी जिस कैटेगरी से आपको शॉर्टलिस्टेड किया गया है। तो यहाँ पर टोटल 65 कैंडिडेट का आपको यहाँ पे मेरिट देखने को मिलेगा। ये आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर से जरूर मेंशन आपको सेंड कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, इसका परफॉर्मा क्या है, क्या सारे रेलवे डिवीज़न का अलग अलग मेडिकल सर्टिफिकेट होता है या फिर सेम। तो चलिए आपको एक बार मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिखा देते हैं, जिसका आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर वो भी मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मेडिकल सर्टिफिकेट एक बार देख लीजिए, उसी परफॉर्मा को प्रिंट करा के आपको मेडिकल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑथोराइज डॉक्टर से बनवानी है। तो ये देखिए मेडिकल परफॉर्मा आपका है शेड्यूल 2 C Rule 4, इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट
मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस फॉर एक्ट अपेंडिसशिप ट्रेनिंग इन ईस्ट सेंट्रल रेलवे। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है और फोटो टू बी अटेस्टेड बाय द मेडिकल ऑफिसर। अपना नाम, फादर नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ट्रेड एंड नेम ऑफ दी वर्कशॉप जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है, और परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो आपको मोल होगा या फिर कोई कट का निशान होगा वो आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद ये सारा कुछ आपको ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्टर से करवा लेना है, जिसमें देखिए क्या क्या करवाना है। सिग्नेचर रहेगा मेडिकल ऑफिसर का, नेम रहेगा उसका, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, डेजिग्नेशन रहेगा मतलब किस पोस्ट पर वो कार्यरत है अभी, कौन सा पोस्ट है, क्या है वो अपना यहाँ पे मेंशन होगा। उसके बाद उसका मोहर और यहाँ पे सिग्नेचर वो मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे चीज़ को आपको करवा लेना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करिएगा, आपका सॉल्यूशन 100% किया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।